हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। नागिन 3 में आए दिन ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते रहते हैं। कभी बेला का असली रूप माहिर के घर वालों के सामने आने से बाल बाल बच जाता है, तो वहीं अब जाकर बेला को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जामनी इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। जी हाँ, वहीं अब इस शो से जुड़ी एक ऐसी खबर हम आपके लिए लाए हैं जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। अरे बाबा, अगर आप नागराज विक्रांत के किरदार में रजत टोकस को मिस कर रहे हैं तो आपके लिए है ये खबर। दरअसल हाल ही में खबरें आई हैं कि शो में विक्रांत की वापसी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिपोर्ट्स की माने तो पूर्णिमा के दिन नागराज विक्रांत अपनी प्रेमिका से मिलने आएगा। जैसे कि उसने वादा किया था कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने पूर्णिमा की रात को जरूर आएगा। अब आप ये तो जानती हैं कि नागरानी रूही के रूप में बेला है और वो अपने प्यार विक्रांत से मिलने हवेली जाएंगी। लेकिन जनाब, सोर्सेस की अगर माने तो कहा जा रहा है कि जब नागरानी हवेली में अपने प्यार से मिलने जाएंगी तो वो देखेंगी विश और विक्रांत को एक साथ। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि विश और विक्रांत एक दूसरे से प्यार करते हैं और नागरानी को धोखा दे रहे हैं। वैसे जब बेला को इस बात की खबर होगी कि विश, जिसे वो अपनी बहन से भी बढ़कर मानती है, वो उसे धोखा दे रही है, तो क्या होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और छोटे पर्दे से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।